चना का साग, कुछ लोग इसको बूट का साग भी बोलते हैं। ये रहा गाजर, आलू उतना निकला है, पहले भी निकाले थे हम लोग वीक में एक बार निकाल लेते हैं, लेकिन आलू रेडी नहीं हुआ था पिछले हफ्ता, तो इस बार पूरा निकाल दिया। मूली तो बहुत है, इतना निकला है, पहले भी बहुत निकाले हैं, अभी भी बहुत सारा मूली है। कैबेज भी हो गया, 10 दिन पहले ही से हम लोग निकाल रहे हैं, पता नहीं पर्पल क्यों हो गया है, इसको ऐसा निकाल देंगे। इतना काफ़ी है हम लोग के, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे। चलो हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, दिखाओ एक बार। उसमें जड़ आ गया है, पुराना आलू है क्या? हाँ, बहुत मूली हुआ है, बहुत सारा इस बार खा ही नहीं पा रहे। उसको मूली लेकिन पसंद नहीं आया होगा, इसलिए छेद तो किया है लेकिन पसंद नहीं आया। ये देखो ना कैसा पत्ता हो गया, हो गया, छोड़ दो, छोड़ दो। एक तो ये वाला है, ये उखाड़ो, ये देखो, देखो ना, तोड़ मत देना फिर से उसको तुम। चलो हो गया जी, बहुत उखाड़ लिया हम लोग। देखो फूल को भी तोड़ लेते हैं, इनको बड़ा सा हुआ है, खराब हो जाएगा, हाथ से करो ऐसे। टूट गया भाई, ट्विस्ट करना होगा, पत्ता सब बाद में हटा देंगे। हम लोग खा लेंगे, किसी पकड़ेंगे हम बर्तन लिया हमने, और एक वाला भी तोड़ ले। चलो मटर भी हो रहा है, कुछ फूल हुआ है अभी, अभी फूल नहीं स्टार्ट हुआ है, साग भी लेट से लगाए थे ना, साग एक महीना में हो जाएगा, ये भी फल देने लगेगा, फरवरी के अंत तक खाने लायक हो जाएगा। मुद्दा तो चना में फल भी आ गया एक दो में, टमाटर भी बहुत हुआ है, हम लोग ऊंचा नहीं किए, एक पेड़ में कम से कम 2-3 किलो टमाटर हुआ है ना। बैगन भी कुछ कुछ, बैगन भी कुछ कुछ तोड़े हैं हम लोग, फूल है, फल भी है छोटा छोटा, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी छोटा है, छोड़ दो उसको, छोटा है, फिर 4 दिन में बड़ा हो जाएगा। अगले हफ्ता, अभी पका नहीं है ना, पक रहा है थोड़ा थोड़ा, पीला हो रहा है लेकिन लाल नहीं हुआ है अभी। इधर अंदर अंदर ना बड़ा बड़ा है, ये देखो बड़ा बड़ा है, सब पकने में टाइम लगेगा। इधर भी बड़ा बड़ा, समय लगेगा पकने में, 20 किलो 25 किलो टमाटर निकलेगा। टमाटर का पत्ता छूने से भी कितना अच्छा महकता है ना, खुशबू की तरह टमाटर का पत्ता। चलो आज हम लोग बहुत हार्वेस्ट कर लिए, बहुत सारा चीज़ हार्वेस्ट किए,
मूली तो हार्वेस्ट किए ढेर सारा।